अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है उन नौजवानों के लिए, उन बूढ़े लोगों के लिए जिनको आंखों की बीमारी हो चुकी है, और उनके लिए जिनको अभी नई हुई वायरस आया हुआ है पाकिस्तान में। ये वायरस है जी, आंखों का, आंखें फूल जाती हैं, रेड हो जाती हैं, सूज जाती हैं, और बहुत मसला हो रहा है लोगों को इससे। तो हमारी राय ये है कि एहतियात करें। मेरा दोस्त है इधर, वो कह रहा था कि हमारे भाई, मैं सुबह उठा तो मेरी आंखें ऐसे थी, ऐसे भाई के फुल स्वेल हुआ पड़ा था सारा। अच्छा, और ऐसा है कि जब आपकी आंखें, जिन नौजवानों की आंखें लाल हैं, रेड हैं, सूज गई हैं, जिन बंदों की हो गई हैं, उनको चाहिए कि वो ऐनक लगा के रखे, चश्मा लगा ले। चश्मा ब्लैक भी मिलता है, दूसरा भी मिलता है, व्हाइट मिलता है, ऐसे लगा ले। और जिनको नहीं हुआ वो भी लगा के रखे, हिफाजत के लिए, एहतियातन एहतियातन हिफाजत के लिए जरूरी है। और ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ये बीमारी ऐसे फैलती है, एक बंदा दूसरे देखने से। हाँ, देखने से भी फैलती है, और ये साथ बैठा हो तो भी फैल सकती है। तो थोड़ा एहतियात करके, थोड़ा ये वैसे ही है कोरोना वायरस जैसा, हाथ लगाया फैल गई और साथ बैठा है उसको फैल गया। ऐसे वायरस, ये वायरस ऐसे ही होते हैं, फैल जाते हैं, देखने से फैल जाते हैं। जिनको आदत है आंखों में देखने की वो भी एहतियात करें, और आंखों में मत देखा करें, ठीक है? और चश्मा लगाएं। और माल भाई यही कह रहे थे, चश्मा चश्मा लगाया ना सर, वो चला नहीं हुआ। आपने लगाया? मेरा टूट गया, मैं अभी लगवा लूंगा। हमारी भी मतलब यही कोशिश है कि हम अभी चश्मा लाएं, और कौन सा लेके आना है, खूबसूरत सा चश्मा ला के हम लगाएंगे तो अच्छा है। आप भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं। बेस्ट ऑफ लक।